बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो केमिकल टेस्ट्स के ऊपर क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम्स में जो है वो पूछा जाता है। काफी ज्यादा इजी और इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ही तरह के केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका एक डिटेक्शन क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। वही डिटेक्शन क्राइटेरिया सब तरह के कंपाउंड्स के अंदर जो है वो डिटेक्ट करने में जो है वो हमें हेल्प कर रहा है। तो 8-9 क्वेश्चन है सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट के अंदर। तो सबसे पहले बेटा जी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन को जो है वो हम लोगों को कैसे डिटेक्ट करना है। तो यहां पे देख लो जो प्रोपेनल है बेटा हम लोगों के पास ये कंपाउंड है CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास हो गया प्रोपेनल। एंड प्रोपेनॉन जो कंपाउंड हो गया हम लोगों के पास ये हो गया C डबल बॉन्ड OCH3। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर देखो आप CH3COCH3, तो ये आइडोफॉर्म की कंडीशन जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोपेनॉन के अंदर जो है वो मीट कर रही है। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है वो हम लोग करवाने वाले हैं NaOI, NaOH और आयोडीन जो है वो इस्तेमाल करके। हम लोगों के पास येलो प्रेसिपिटेट्स जो है वो CHCI3 के जो है वो बनने वाले हैं आयोडोफॉर्म के, जिससे हम लोग ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि अगर येलो प्रेसिपिटेट्स बन गए तो हम लोगों के पास जो है ये कंपाउंड प्रोपेनॉन है, नहीं तो ये कंपाउंड जो है वो प्रोपेनल है। प्रोपेनल जो है वो इस टेस्ट के अंदर पास नहीं करता, नॉट डिटेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट। क्यों? क्योंकि इस डिटेक्शन का जो मेन क्राइटेरिया है वो सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला ग्रुप जो है वो होना चाहिए। ये ग्रुप प्रेजेंट है तो डिटेक्ट होगा, नहीं प्रेजेंट है तो बिल्कुल भी डिटेक्ट जो है वो नहीं होने वाला। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन के अंदर जो है वो हम लोगों को कैसे डिटेक्ट करना है। अब देख लो सेम ही कॉन्सेप्ट है एसिटोफिनोन का भी। तो पहले देख लो दिस इज अ एसिटोफिनोन और ये बेंजोफिनोन जो है ये कंपाउंड हम लोगों के पास कैसे बन रहा है ये देख लो। ये कंपाउंड जो है वो हम लोगों के पास हो गया बेंजोफिनोन। अब इस पहले वाले कंपाउंड के अंदर देखो COCH3 ग्रुप जो है वो फिर से आ गया। COCH3 ग्रुप अगर कहीं पे भी प्रेजेंट हो तो बेटा जी अपने को सिंपल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो करना है। अगर येलो प्रेसिपिटेट्स हम लोगों के पास फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब वो सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 वाला ग्रुप जो है वो उसमें प्रेजेंट था। तो इन दोनों को डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे फिनोल की और बेंजोइक एसिड की। देखो फिनोल को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग ब्रोमीन वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन करवा दो, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स अगर फॉर्म हो जाएं तो हम लोगों के पास वो फिनोल है। तो यहां पे देख लो ये हमारे पास ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से इस पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को जो है वो दूसरे तरीके से यहां पे जो है वो NaHCO3 बेंजोइक एसिड के अंदर डालूं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिटेक्ट हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर जो है वो रिलीज हो, एफर्वेसेंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की आए, तो हम लोगों के पास जो है वो बेंजोइक एसिड है। क्योंकि एसिड्स और ये बेस है मिलके हम लोगों के पास सॉल्ट और साथ में यहां पे जो है वो बाइकार्बोनेट्स है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये चीज कंफर्मेशन है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो है वो COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो कहीं पे भी COOH का डिटेक्शन आपको करना हो तो सिंपल NaHCO3 जो है वो इस्तेमाल करो, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से जो है वो बहुत सारी चीजें आपको डिटेक्ट हो जाएंगी। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट, ये दो कंपाउंड्स हैं। अब ये इथाइल बेंजोएट जो है वो किस तरह का कंपाउंड है बेटा जी देख लो, ये हम लोगों के पास बेंजीन, ये डबल बॉन्ड ओ, ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो इथाइल बेंजोएट है और साथ में हम लोगों के पास क्या है बेंजोइक एसिड। अब देखो बेंजोइक एसिड को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग सिंपल NaHCO3 का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन एसिड और बेस बाइकार्बोनेट जो है वो मिलके सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो इथाइल बेंजोएट नहीं कर सकता, इसलिए ये सिंपल तरीके से NaHCO3 डाल दो और हम लोगों के पास कंपाउंड जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे प्रोपेंटेन 2-ON और पेंटेन 3-ON को डिटेक्ट करने का तरीका। देखो पेंटेन 2-ON के अंदर सेकंड वाले कार्बन पे जो है वो डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, तो ये देखो CH3CO वाली कंडीशन जो है वो मीट हो रही है। सिंपल आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो लर्न कर लो, आयोडोफॉर्म टेस्ट इसमें लगा लो, येलो प्रेसिपिटेट्स अगर फॉर्म हो जाते हैं तो ये कंपाउंड पेंटेन 2-ON है। क्योंकि 3-ON के केस में
यहां पे जो है वो हाइड्रोजन होगा, इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो ऑक्सीजन होगा। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन जो आयोडोफॉर्म टेस्ट की है वो मीटअप नहीं करेगी, जिससे जो है वो हम लोगों के पास येलो प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे बेंजेल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन को जो है वो आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। देख लो, बेंजेल्डिहाइड इज बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड वाला ग्रुप और एसिटोफिनोन COCH3 वाला ग्रुप है। यहां पे भी देख लो सेम काम करना है आपको, C डबल बॉन्ड O CH3 का कंडीशन जो है वो मीट कर रहा है। इसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो हम लोग लगा सकते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाओ, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आपको मिलेंगे, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन भी जो है वो डिटेक्ट हो जाएगी। देखो टेस्ट्स दो तीन ही है, बस आपको कंपाउंड को सोचना है, देखना है कौन से वाला जो है वो अप्लाई हो सकता है, कौन से वाला जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता, उन केसेस पे जो है वो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे बेटा इथेनल एंड प्रोपेनल की। तो इथेनल के केस में भी देख लो, ये डबल बॉन्ड OH, इथेनल इवन जो है ये एल्डिहाइड्स के केस में भी देख लो, यहां पे COCH3 ग्रुप आ रहा है, COCH3 ग्रुप आ रहा है, तो भैया आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा दो, सिंपल तरीके से जो है वो हम लोग इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। जबकि प्रोपेनल के केस में जो यहां पे प्रोपेनल ये वाला कंपाउंड है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट को बिल्कुल भी नहीं दे सकता, जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों के पास ये नहीं बनेगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे एमीन्स के, भी सारे मैं इसी में कवर अप कर रहा हूं। तो मिथाइल एमीन और डाइमिथाइल एमीन। अब देखो मिथाइल एमीन जो है ये हम लोगों के पास फर्स्ट डिग्री एमीन है। फर्स्ट डिग्री अमीन को डिटेक्ट करने के लिए आप कार्बाइल एमाइन रिएक्शन जो है वो कर सकते हैं। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन के अंदर CHI3, CL3 और KOH का मिक्सचर डालते हैं और हमारे पास आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, जो बहुत ही गंदी स्मेल को जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर गंदी स्मेल प्रोड्यूस हो रही है तो वो फर्स्ट डिग्री अमीन जो है वो हम लोगों के पास है। सेकेंड डिग्री अमीन को यूज करने के लिए बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, जिसमें सेकेंड जो है वो डिग्री और थर्ड उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम लोग जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। डाइमिथाइल अमीन ये कंपाउंड जो है वो किस तरीके का है, कार्बन जो है वो यहां पे इस तरीके से जो है वो इसके साथ अटैच है। अब ये सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए वो इस रिएक्शन के अंदर जो है कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं करेगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स को डिटेक्ट करने के लिए। देखो सेकेंडरी अमीन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग सिंपल HNO2 डाल दें अगर, तो यहां पे येलो ऑयली लिक्विड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो यहां पे देखो सेकेंडरी अमीन चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक को, नाइट्रस एसिड के साथ जो है नाइट्रोसो एमीन का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि एक येलो ऑयली लिक्विड है और साथ में वाटर जो है वो हमारे पास फॉर्म हो रहा है। जबकि ये येलो ऑयली लिक्विड जो है वो टर्शरी के केस में जो है वो हम लोगों के पास नहीं फॉर्म होता। ये सब कुछ जो है वो आप नोट कर लो। तो सेकेंडरी और टर्शरी को जो है वो हम लोग लिम्बरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन से डिटेक्ट कर सकते हैं। HNO2 डाल दो, अगर येलो ऑयली लिक्विड जो है वो आपके पास आ गया तो इसका मतलब जो है वो सेकेंडरी अमीन है, अगर नहीं आया तो वो टर्शरी अमीन ही होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा जी इथाइल एमीन एंड एनिलीन। इथाइल एमीन जो है और एनिलीन को जो है वो हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो एनिलीन के अंदर अगर मैं HNO2 डाल दूं तो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको आगे फर्दर मैं एजो डाइज के अंदर जो है वो तरह तरह के कलर्ड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो है वो कर सकता हूं। आपके पास बुक के अंदर ये कपलिंग रिएक्शन के तौर पर जो है वो NCERT में गिवन है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने जो है वो इस चीज को जो है वो किया था। ये कंपाउंड बना दो आप, ये डबल वाला ले लो, इवन आप सिंगल जो है वो बेंजीन वाला भी जो है वो ले सकते हो। येलो ऑरेंज कलर के डाइस का फॉर्मेशन अगर हो रहा है हम लोगों के पास तो कंपाउंड जो है वो हम लोगों के पास एनिलीन है। उसके बाद इथाइल एमीन जो है वो हम लोगों के पास जो है वो कंपाउंड है CH3CH2NH2, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जबकि बाकी जो है वो रिएक्शंस के अंदर ये पार्टिसिपेट करता है। बाकी इसके अंदर एक चीज और जो है वो हम लोग कार्बाइल एमाइन रिएक्शन जो है वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते बेटा जी। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन चाहे प्राइमरी एलिफेटिक अमीन हो चाहे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हो, दोनों केसेस के अंदर जो है वो फाउल स्मेल दे रहा है। तो ये अपने को कुछ इस तरह का फाइंड आउट करना है, जो एरोमेटिक कर रहा हो एलिफेटिक ना कर रहा हो। तो एजोडाइज का फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड ही कर रहा है, तो पहले डाइजोनियम सॉल्ट बना लो, उसके बाद नेप्थोल जो है डाल दो इसके अंदर, अगर तो ऑरेंज रेड डाई का फॉर्मेशन हो जाए
तो इसका मतलब ये कंपाउंड जो था वो एरोमेटिक वाला था, नहीं तो वो कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक वाला था। तो बेटा जी नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे एनिलीन और बेंजाइल एमीन की। तो एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली अगर NH2 ग्रुप अटैच हो तो ये हमारे पास एनिलीन रहता है, और बेंजाइल एमीन क्या है, CH2NH2 ग्रुप अगर लगा हो तो ये हम लोगों के पास बेंजाइल एमीन जो है वो हो जाता है। अब एनिलीन को डिटेक्ट करने का एक सिंपल तरीका है, HNO2HCl डाल दो 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में तो डाइजोनियम सॉल्ट का जो है वो फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर मैं बेंजाइल एमीन के अंदर यही सेम HNO2HCl डाल दूं तो ये डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और एकदम से डीकंपोज होके जो है वो बेंजाइल अल्कोहल के अंदर ब्रेक हो जाता है और नाइट्रोजन गैस का जो है वो रिलीज हो जाता है। अगर नाइट्रोजन गैस का रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारे पास बेंजाइल एमीन है। अगर नाइट्रोजन गैस का रिलीज सिंपल तरीके से जो है वो नहीं हो रहा तो हम लोगों के पास वो कौन सा कंपाउंड है, एनिलीन है। बाकी अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एनिलीन का आप कपलिंग रिएक्शन बना दो इसके बाद आप, तो और एजोडाइज का फॉर्मेशन कर दो तो भी जो है वो हम लोग उस तरीके से भी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट देख लो एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन जो है वो हम लोगों को करना है। N मिथाइल एनिलीन जो है बेटा जी आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लो, हमारे पास ये NH और ये CH3, दिस इज N मिथाइल एनिलीन, ये सेकंड डिग्री हम लोगों के पास जो है वो अमीन है जबकि एनिलीन जो है वो फर्स्ट डिग्री अमीन है। अब फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री को डिटेक्ट करने के लिए तो बेस्ट है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल कर लो, अगर सड़ी हुई स्मेल आ जाए, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाए जिसमें CHCl3 और KOH डाल के, तो हम लोगों के पास वो एनिलीन है, नहीं तो वो जो है वो हम लोगों के पास मिथाइल एनिलीन जो है वो होगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो इतने ही टेस्ट हम लोगों के पास एनसीईआरटी के अंदर जो है वो गिवन है, इन सारे टेस्ट के बीच में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आने वाला है, कौन सा टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसको डिटेक्ट करने के लिए क्या चीज जो है वो जरूरी है। आई होप आपने जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।